दोनों पर लिया रख लेंगे। सर्वर कंपास, ठीक है, सर्वर कंपास में जो रीडिंग है 0 से 360 रहेगी, ठीक है, और प्रिज्मेटिक के अंदर जो रीडिंग रहेगी वो 0 से 90 रहेगी, ठीक है। अब प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर तो पूरा का पूरी इंडेक्स जो था मूव कर रहा था, इसके अंदर इंडेक्स तो फिक्स रहता है, नीडल जो है मूव करता है, ठीक है। ये नीडल दिख रही है आप लोगों को, इसमें भी वही, ये आई पीस है, इसमें 3 छिद्र बने हुए हैं और इधर ये थ्रेड है। इस थ्रेड को जो आपके रेंजिंग रोड है उसके एकदम पैरेलल में लाना होता है, ठीक है। अब जिस डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ इसको जब आप करोगे तो सबसे पहले उसको ट्राइपॉड के बाद इसके अंदर जो 3-2 ट्यूब रखी हुई है, इन दोनों ट्यूब के जो बबल है उनको सेंटर करना होता है। सेंटर करने का मतलब ये है कि ये जो नीडल है वो कांच को या किसी और को टच ना करें, मतलब एकदम फ्रीली मूवमेंट कर सके, ठीक है। फिर आप जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखोगे, इसका भी वो काम वही है बेरिंग लेने में। बेरिंग का यूज़ होता है कहीं पर डायरेक्शन जहाँ पर चेंज होती है, आप स्ट्रेट जा रहे हो और आपको लगता है कि स्ट्रेट से अब आपको मूव करना है, लेफ्ट या राइट में जो मूवमेंट आता है वो इसी एंगल से निकाला जाता है, ठीक है। एंगल से ही अपन को पता चलता है कि कितने पे अपन को मुड़ना है, ठीक है, ये चीज़ है। और रही बात इसमें एंगल्स की, और इसमें जो एंगल्स सारे चलते हैं वो कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं, जैसे एन डायरेक्शन, तो एन को एक फिक्स कर लिया जाता है, उस एन के अकॉर्डिंग इसमें सारी रीडिंग्स आती है, इसलिए इनको बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है।